बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें गिवन हैं और फिर हमने फाइंड क्या करनी है। ठीक है, हमें कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है? ऐसी शेप जिसके फोर कॉर्नर्स हों, फोर वर्टेक्स हों और उसके ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम मैंने आपके सामने बनाई। तो इसमें हमें गिवन क्या है कि एक वर्टेक्स हमें गिवन है। ठीक है, एक वर्टेक्स, लेट्स सपोज ये एक वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है और ये डी वर्टेक्स है। इसमें एक वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब कि ए जो एक वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। ठीक है, बाकी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने। इसके अलावा हमें क्या गिवन है कि जो डायगनल्स हैं, ये डायगनल्स, डायगनल्स क्या होता है? दो ऑपोजिट वर्टिसेस आपस में ज्वाइन कर दिए जाएं तो डायगनल बन जाता है। ये एक डायगनल है, ठीक है, और दूसरा डायगनल ए को मैं सी के साथ ज्वाइन कर दूं तो ये एक डायगनल बनता है। ठीक है, तो ये जो डायगनल्स आपस में इंटरसेक्ट का जहाँ पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ठीक है, वो है 2, 1। सही। अच्छा, फिर से मैं बता दूं कि एक तो हमें क्या है, हमें कहा गया है कि एक आपके पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी जिसमें एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, ए वर्टेक्स जो है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स 1, 4। और दूसरा ये हमें कहा गया है कि ये जो इसके डायगनल्स बनते हैं जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। और साथ में हमें एक और चीज भी गिवन है कि स्लोप्स ऑफ साइड्स। ठीक है, मतलब कि इस साइड और इस साइड की स्लोप इक्वल होगी, वो हमें गिवन है। और साथ में ए बी साइड और डी सी साइड की स्लोप जो है वो भी गिवन है। ठीक है, स्लोप्स साइड्स की गिवन है तो वो मैं लिख देता हूँ। स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, इसके ऑपोजिट साइड के बनती है ए डी की, बी सी साइड बनती है, स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू बी सी जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, स्लोप जो है हमें गिवन है और उसकी वैल्यू है 1। और इसके अलावा हमें दूसरी साइड जो ए बी साइड और डी सी साइड इनकी स्लोप भी इक्वल है वो भी गिवन है। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, इसकी ऑपोजिट साइड ए बी की ऑपोजिट साइड डी सी बनती है। ठीक है, इन दोनों साइड्स की स्लोप इक्वल है और जिसकी वैल्यू हमें गिवन है -1/7। ठीक, अच्छा, ये दो स्लोप्स हमें गिवन है, डायगनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट गिवन है और एक हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, बाकी हमने फाइंड क्या करना है? इन तीन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि बी सी और डी, ठीक है, इन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम खुद से इनके कोऑर्डिनेट्स रख लेते हैं। ठीक है, पहले इन जनरल यानी कि वेरिएबल्स रख लेते हैं उनके। इसका बी का मैं रख लेता हूँ ए कॉमा बी, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है बी का वो ए है और वाई कोऑर्डिनेट बी है। ठीक है, इसी तरह से सी के मैं रख लेता हूँ सी कॉमा डी, और डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स रख लेते हैं ई कॉमा एफ। सही, ये कोई भी नाम हम रख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट रख सकते हैं। ठीक है, x1 x2 भी रख सकते थे। ठीक है, तो मैंने अपने लिए ए कॉमा बी रख लिया बी का, और सी के लिए सी कॉमा डी, और डी के लिए ई कॉमा एफ। अच्छा, अब हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको यूज करते हुए हमने ये तीन वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो हमें क्या गिवन है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पहले हम लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायगनल्स का। अब ये देखा जाए तो ये मिड पॉइंट बनता है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिड पॉइंट बनता है इस डायगनल का भी और इस डायगनल का भी। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट बनता है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। सही है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था जो पहले भी हम यूज करते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो वो एक मिड पॉइंट बन जाता है। तो कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन है लेकिन हमें दूसरा एंड जो है वो, मतलब कि सी कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन, हमने खुद से सपोज किए हुए, और इस पे हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट का, तो एज हम कह सकते हैं कि 1, 1 + c डिवाइडेड बाय 2
इज इक्वल टू टू, या फिर वन कॉमा ये बन जाएगा कॉमा, ठीक है। दूसरे वाई कोऑर्डिनेट्स का सम क्या बनेगा, फोर प्लस टी डिवाइडेड बाय टू, ये एक पॉइंट बनता है, ठीक है। ये क्या चीज है, एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ये डायगनल्स का, ठीक है, इज मिड पॉइंट। तो हम ये फार्मूला उस पे मिड पॉइंट पे लगा सकते हैं। तो इस पे अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पे ए और सी पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं तो उसका मिड पॉइंट आएगा जो कि ये है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, मतलब के वो आ जाएगा 2,1 के बराबर। इसके अगर ये हमें गिवन होता, हम मतलब के सी कॉमा डी ना होता बल्कि कोई स्पेसिफिक वैल्यूज होती, मैं इसके इन ए और सी के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगाता तो उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है, वो इसके बराबर मैंने रख दिया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट्स आपस में बराबर है। उसका मतलब ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स भी आपस में बराबर है और वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर है, मतलब कि 1 + c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और साथ में वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल है, 4 + t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 है, सही। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई हैं, तो इन इक्वेशन को मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। 1 + c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, सही। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से इस इक्वेशन को भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4 + t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पे जाके। अच्छा, अब यहाँ से सी की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू 4 - 1, जो कि वैल्यू आ जाएगी सी इज इक्वल टू 3। और साथ में यहाँ से अगर डी की वैल्यू फाइंड करना चाहें, डी इज इक्वल टू 2 - 4, जो कि वैल्यू बन जाएगी डी इज इक्वल टू -2। अच्छा, यहाँ से अब हमारे पास सी और डी की वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। सी और डी किसके कोऑर्डिनेट से, पैरेललोग्राम में देखते हैं, सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सी और डी हैं, ठीक है, वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो हम लिख देते हैं 3, -2, सही है। तो ये तो आ गए हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट सी के। अब बाकी दो वर्टेक्स रह गए हैं, एक बी वर्टेक्स और एक डी वर्टेक्स, सही है। तो अब अगर हम वही चीज यहाँ पर अप्लाई करें, मतलब कि ये भी एक डायगनल है, ठीक है, इस पैरेललोग्राम का, तो ये भी इसका ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस डायगनल का भी मिड पॉइंट बनता है, और हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, फिर इज इक्वल टू हम 2,1 रख देंगे। लेकिन इसमें मसला क्या है कि हम क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसका इस पे अप्लाई वो फार्मूला अप्लाई करने का फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि देखें इसमें इस वर्टेक्स के भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, ठीक है, हमने खुद से नाम रखे हुए हैं, इन जनरल रखे हुए हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यूज हमें नहीं पता। और इसका जो दूसरा एंड है, ठीक है, पॉइंट जो डी है, उसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। तो अगर हम अप्लाई भी करेंगे, चार वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, चार वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो दो इक्वेशंस हो और चार वेरिएबल्स हो तो हम फाइंड नहीं कर सकते वैल्यूज, ठीक है। दो इक्वेशंस हो, जितने इक्वेशंस हो उतने ही वेरिएबल्स हो, तब हम उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस पे फिर अप्लाई करने का फायदा नहीं है, इसलिए हम इस पे अप्लाई नहीं करते। इसमें तो हमने इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, ठीक है, और दूसरे के हमने फाइंड कर लिए। तो इस तरह से अब हम और जो चीजें हमें गिवन है, ठीक है, वो हम यूज करते हैं। इसके अलावा हमें क्या गिवन था, स्लोप्स गिवन थी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए डी स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन था, तो ये हम यूज करते हैं। स्लोप ऑफ ए डी निकालने के लिए क्या होगा, ए और डी की, ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे। टू पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है और डी पॉइंट है, ठीक है, y2 - y1 और x2 - x1 हो जाएगा। तो y2 जो है f है और y1 4 है, x2 जो है वो e है और x1 जो है 1 है, ठीक है, वो इसकी स्लोप का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, बी सी इज इक्वल टू क्या है, 1। अच्छा, अब ए डी की स्लोप इसका फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा f - 4 डिवाइडेड बाय y2 - y1, ठीक है, ये f जो है y2 है, y1 4 है। इस तरह से अब x2 - x1 e - 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e
माइनस वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी क्या चीज है? बी और सी, ठीक है। इसकी स्लोप हमें फाइंड करने, दो पॉइंट्स हैं बी और सी, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर तो हमें ये पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ठीक है, मतलब कि हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं स्लोप का। तो ये बनेगा बी प्लस टू डिवाइडेड बाय ए माइनस थ्री, ठीक है, बी प्लस टू ओवर ए माइनस थ्री। ये प्लस टू किस वजह से हुआ? बी माइनस इंटू माइनस टू बनता है ना, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस तरह लिख दिया, डायरेक्ट इज इक्वल टू वन है, ठीक है, मतलब कि ये दोनों, ये और ये टर्म इज इक्वल टू वन है। तो हम अलग अलग इनको लिख सकते हैं कि एफ माइनस फोर डिवाइडेड बाई ई माइनस वन इज इक्वल टू वन है, और साथ में बी प्लस टू जो है ओवर ए माइनस थ्री इज इक्वल टू वन है, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर है, मतलब कि ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, ठीक है। तो मैंने एक कांस्टेंट को ले लिया राइट साइड पे, बाकी दोनों को अलग-अलग तरह लिख दिया कि ये साइड इसके भी बराबर है, ठीक है, और इसी तरह से ये साइड इसके भी बराबर है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो एफ माइनस फोर इज इक्वल टू ई माइनस वन, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ई माइनस वन, सही, वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ ई माइनस वन ही बन गया। और यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई करें तो बी प्लस टू इज इक्वल टू ए माइनस थ्री, सही है। तो अगर वेरिएबल्स को मैं एक साइड पर रखूँ, बल्कि कॉन्स्टेंट्स को भी मैं सब सब टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ, तो एफ माइनस फोर माइनस ई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी तरह से बी प्लस टू माइनस ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वेरिएबल्स तो उसी तरह आ जाएंगे, एफ माइनस ई माइनस फोर प्लस वन इज माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और ये इक्वेशन सिंप्लीफाई बन के होके क्या बन जाएगी, बी माइनस ए प्लस फाइव, ठीक है, टू प्लस थ्री इज फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों इक्वेशन भी बन गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर टू कह देता हूँ, सही। अभी इनमें वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब इनको देखें, इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, इसमें एफ और ई है, ठीक है, दो वेरिएबल्स, और इसमें क्या है, बी और ए। तो ये टोटल वेरिएबल्स कितने बन गए? चार वेरिएबल्स बन गए। तो चार वेरिएबल्स हैं और ये दो इक्वेशन हैं, चार वेरिएबल्स हों और दो इक्वेशन हो तो हम फाइंड नहीं कर सकते वैल्यूज वेरिएबल्स की, ठीक है। जितनी इक्वेशन हो, पहले मैंने जैसे कहा कि जितनी इक्वेशन हो उतने वेरिएबल्स होने चाहिए, तब जाके हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं उन वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर तो चार वेरिएबल्स हैं, तो हम फिर मजीद इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो हम यूज करेंगे, सही है। तो और हमें क्या गिवन था, पैरेललोग्राम में देखें, हमें गिवन था कि ए बी साइड की स्लोप बराबर है डीसी साइड की, और वो है इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन बाय सेवन, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं स्लोप्स का फॉर्मूला, दोबारा से अप्लाई करते हैं इन साइड से, ए बी और डीसी साइड के, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू है स्लोप ऑफ डीसी इज इक्वल टू माइनस वन बाय सेवन है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। तो अब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, हम ए और बी पॉइंट पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं इस साइड पे, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स। तो यहाँ से हम उसका स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करके स्लोप निकालते हैं, तो ये बनेगा बी माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए माइनस वन, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर मैं वाई टू बी को लेता हूँ तो बी माइनस फोर ओवर ए माइनस वन, बी माइनस फोर ओवर ए माइनस वन बन गया। इस तरह से अब स्लोप ऑफ डी सी, डी सी की स्लोप, डी सी साइड पे देखें, ये दो साइड हैं, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम यूज करते हैं। तो डी सी में क्या बनेगा, माइनस टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय थ्री माइनस ई, माइनस टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय थ्री माइनस ई इज इक्वल टू है माइनस वन बाय सेवन, सही। अब ये जिस तरह से हमने पहले तीन इक्वालिटीज को देखा था कि किसी एक कांस्टेंट को राइट साइड पे रख लेते हैं, बाकी दो वेरिएबल्स वाली जो है टर्म्स जो हैं, ठीक है, साइड जो है वो एक साइड पे रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा, ये इन तीनों का मतलब यही है ना कि तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ठीक है, बी माइनस फोर ओवर ए माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाय सेवन,
तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसके भी बराबर है, तो माइनस टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय 3 माइनस ई इज इक्वल टू है माइनस 1 बाय 7 के, ठीक है। तो मैंने ये दोनों क्यों नहीं लिए, बी माइनस 4 ओवर ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस एफ ओवर 3 माइनस ई, ठीक है, क्योंकि उसमें चार वेरिएबल्स बन जाते हैं एक इक्वेशन में, तो हम वो इक्वेशन लेने का फायदा नहीं है। तो अब हम इसको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, बी माइनस 4 यहाँ पर आगे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ मैं, माइनस 1 इंटू ए माइनस 1, सही। अब इसी तरह से इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, माइनस 2 माइनस एफ 7 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 3 माइनस ई। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7b माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1, और इस इक्वेशन को भी माइनस 14 माइनस 7f इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस ई, ठीक है। अब इनको ऐसा सब टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं ताकि हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें, तो ये बनेगा 7b प्लस ए माइनस 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सही। अब इस इक्वेशन को भी इस तरह करते हैं, माइनस 14 माइनस 7f प्लस 3 माइनस ई इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बन जाएगा ए प्लस 7b, अरेंज करके भी साथ लिख देते हैं, ए पहले लिख देते हैं, ए प्लस 7b, और ये बन जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 29 इज इक्वल टू 0, और साथ में ये बन जाएगा ई माइनस 7f और माइनस 14 प्लस 3 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें भी ये वेरिएबल्स आ चुके हैं, इसके इक्वेशंस के नाम लिख देते हैं, पहले 1 2 हुई थी, अब ये 3 4 इनका नाम रख देते हैं, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब हमारे पास चार इक्वेशंस हैं, ठीक है, और चार ही वेरिएबल्स हैं, तो हम फाइंड कर सकते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू। तो चार इक्वेशंस मैं इकट्ठी लिख देता हूँ जो चार इक्वेशंस बनी हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या थे, इक्वेशन नंबर 1 है एफ माइनस ई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एफ माइनस ई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है बी माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बी माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 2, बी माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये जो अभी हमने फाइंड की, ए प्लस 7b माइनस 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, माइनस ई माइनस 7f माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 4। ये चार इक्वेशंस हैं जिसमें ए बी ई एफ ये चार वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो हम इनको आपस में सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, और हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अच्छा, अब इनको हम सॉल्व कैसे करें, देखें इसमें ए और बी वेरिएबल है, ठीक है, इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में भी ए और बी वेरिएबल है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। दो इक्वेशंस हो जाएंगी और दो वेरिएबल्स हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि दो इक्वेशंस हो और दो वेरिएबल, मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो ये दो इक्वेशंस बन गई, दो वेरिएबल्स बन गए, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी की। और फिर इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नंबर 1 इसमें ई और एफ वेरिएबल्स हैं, और इक्वेशन नंबर 4 में देखें इसमें भी ई और एफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो मतलब कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई और एफ की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करें कि यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन में से, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें से ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, और दूसरी में पुट कर देते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ, फ्रॉम 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में बी माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी प्लस 5, सही है, ए को इस साइड पे मैं ले जाऊँ तो ए इज इक्वल टू बी प्लस 5 हो जाएगा, तो ये बन गया ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पुट ए इज इक्वल टू बी प्लस 5 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर देता हूँ ए की वैल्यू। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये है, ठीक है, ए प्लस, ठीक है, ए की जगह मैं बी प्लस 5 यूज करूंगा,
बी प्लस फाइव, ये हो गया ए, उसके बाद क्या है सेवन बी प्लस सेवन बी प्लस सेवन बी, उसके बाद क्या है माइनस 29 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 29 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अब इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो बी प्लस फाइव प्लस सेवन बी माइनस 29 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर सेवन बी है और बी है, ये दोनों वेरिएबल सेम है, ठीक है, तो ये टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब देखें इन दोनों के साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 8b। ठीक है, अब और ये कॉन्स्टेंट्स आपस में ऐड हो सकते हैं, तो ये माइनस 29 प्लस 5 क्या रिजल्ट देगा माइनस 24। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों डिफरेंट साइन है, इज इक्वल टू जीरो, और ये बन जाएगा 8b इज इक्वल टू 24 बन जाएगा। ठीक है, 24 को मैं राइट साइड पे ले आऊँ तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था पहले यहाँ पे, तो बी इज इक्वल टू 8, यहाँ पर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24 डिवाइडेड बाई 8, और ये बन गया बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, 24 को 8 से डिवाइड करें तो बी की वैल्यू आ गई 3। अच्छा, इसी तरह से अब इस बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 किसी एक में पुट कर दें तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जिस तरह आप दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करता हूँ बी की वैल्यू, ठीक है, जो कि 3 है, तो ये बन जाएगा 3 माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस ए पुटिंग बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, बी बी माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बी माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बी माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी की जगह मैंने 3 पुट किया, माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू, बाकी इक्वेशन उसी तरह ही है। अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये बनेगा ए इज इक्वल टू 3 प्लस 5, जो कि ए की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई, सही, तो ए और बी किसके कोऑर्डिनेट से, ए और बी कोऑर्डिनेट से बी बी वर्टेक्स के। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, ए की वैल्यू थी 8 और बी की वैल्यू 3, सही, तो अब सिर्फ हमारे पास एक पॉइंट रह गया, ठीक है, डी पॉइंट, डी वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने, वो हम फाइंड कर लेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, जिस तरह के हमने इन दोनों इक्वेशंस को लिया था, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड को, अब हम फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में से एफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फोर्थ में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एफ माइनस ई माइनस 3 फॉर्म इक्वेशन 1, एफ माइनस ई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू ई प्लस 3। ठीक है, तो पुटिंग एफ इज इक्वल टू ई प्लस 3 इन इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4, सही, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है माइनस ई माइनस 7f माइनस 11, माइनस ई माइनस ई माइनस 7f माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 7f, f की जगह e प्लस 3 हमने यूज करना है, उसकी वैल्यू जो कि इक्वेशन नंबर 1 से हमने फाइंड की। अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व करना है e माइनस 7e माइनस 21 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 8e, और ये दोनों कॉन्स्टेंट्स आपस में ऐड होंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से ई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इसको सॉल्व करके, माइनस 8e इज इक्वल टू 32, और e इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 8, और साथ में माइनस साइन भी इस साइड पे ले आए। अच्छा, अब e की वैल्यू क्या बन गई माइनस 4। ठीक है, 32 को 8 से डिवाइड किया तो इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। अब ये e की वैल्यू फर्स्ट या फोर्थ इक्वेशन किसी एक में पुट कर दें तो आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ f माइनस e माइनस 3 इज इक्वल टू 0, पुटिंग e इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, f माइनस e माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस फोर, माइनस फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा एफ प्लस फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एफ प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस वन। सही, तो ये हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई ई और एफ की। ई जो है माइनस फोर है और एफ जो है माइनस वन है, माइनस फोर और माइनस वन, मतलब कि ये बन गया माइनस फोर और ये बन गया माइनस वन। ठीक है, तो ये हमने पहले फाइंड किया था थ्री कॉमा माइनस टू, ये चारों वर्टेक्स अब हम उनकी कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा गया था कि हमने एक कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ था, उसके कोऑर्डिनेट्स के एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे, बाकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। ठीक है, तो वो हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर। तो अब मैं अलहदा से भी लिख देता हूँ, ए वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, वन कॉमा फोर, बी वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एट कॉमा थ्री, और सी वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, थ्री कॉमा माइनस टू, और डी वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस फोर माइनस वन। ठीक है, ये चारों हैं वर्टिसेस पैरेललोग्राम के जो गिवन कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 27 खत्म होता है।